वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सालाना बरसी समागम फगवाड़ा नेड़े नंगल सपरोड गुरद्वारा विखे मनाई गई। इस मौके विशेष तौर पर संत बाबा नरिंदर सिंह जी और बाबा गुरमीत सिंह जी ने संगतां नाल विचार सांझे किते, जो बरसी 4 अगस्त को श्री हजूर साहब विखे मनाई गई उसके संबंध में यह समागम संगतां लई मनाया जाता है। जो लोग हजूर साहब विखे नहीं जा सकते उन्हें बजुर्ग संगतां लई यह जोड़ मेला हर साल गुरद्वारा सपरोड विखे मनाया गया है। गुरद्वारा साहिब विखे 16 अगस्त तो अखंड पाठ आरंभ किए जाते हैं, 18 अगस्त को भोग पाए जाते हैं, महान समागम करवाए जाते हैं। अलग अलग महापुरशां कीर्तनी ढाडी जत्थे संगतां दे रूबरू हुंदे हन। प्रबंधक कमेटी वालों आई हुई सारिया संगतों का धन्यवाद भी किया गया। बड़े ही सुचजे ढंग गुरु घर लंगरां दे प्रबंध किए गए। संगतां ने सतनाम वाहेगुरु का नाम जपया और आनंद माणिया। आई हुई संगतां ने जत्थेदार बाबा गुरमीत सिंह और संत बाबा नरिंदर सिंह ने संगतां नूं सरोपे दे के सन्मानित किया। लाइव पंजाब न्यूज़ की फगवाड़ा तो ब्यूरो रिपोर्ट। महापुरशां की मिठी प्यारी याद अंदर जुड़ बैठ इस साल भी लंग प्राप्त करने का सफल यत्न कर रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा नरिंदर सिंह जी बाबा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी, जो अज का दिहाड़ा मनाया गया है फगवाड़े के गुरद्वारा साहिब विखे, ये किस संबंध में ते किदा इहदी रीत चली है ते किहड़े संबंध च मनाया गया जी? संत बाबा नरिंदर सिंह जी महापुरखां दी जिहड़ी बरसी आ ना, साखां श्री गुरु साहिब गुरद्वारा लंगर साहिब मनाई जाती। उस तो बाद संगतां जिहड़ियां पंजाब दीआं सी उहनां दी बहुत जोर मांग सी महापुरखां तों, महापुरखां दा बरसी दा दिहाड़ा जिहड़ा पंजाब भी मनाया जाए। जिहड़ियां संगतां इत्थों हजूर साहिब नहीं जा सकदियां उह इत्थे हाजरी भर के ते गुलाह प्राप्त करन। पंजाब दीआं संगतां दे मांग दे उत्ते इह महापुरखां ने पंजाब दे विच बरसी मनाउणी शुरू कीती। महापुरखां दी याद जिहड़ा अज दिहाड़ा मनाया जा, संत बाबा नरिंदर सिंह, संत बाबा आत्मा सिंह, संत बाबा हरनाम सिंह,
ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੌਕ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਆ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੰਦਰ ਸਭਾ ਰੋਡ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਮਨਾਇਆ।